और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ वाराणसी से कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। रीता जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वाराणसी में जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, आज हमने तस्वीरों में देखा बहुत उत्साह दिख रहा है, लखनऊ में भी हमने देखा काफी उत्साह था, और अब कहां पर आपकी तैयारियां पहुंच चुकी हैं? जब सोनिया गांधी आएंगी उस समय क्या नजारा आप लोग कल्पना में रख रहे हैं? सोनिया जी बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता हैं और वाराणसी में आ रही हैं। सावन का पावन महीना है और इसमें बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पधार रही हैं, और क्योंकि उनका आगमन है तो यहाँ की कांग्रेस ने यूपी के चाहा था कि वो जनता के बीच से होती हुई जाएं और यहाँ की जनता उनको देखने के लिए भी आतुर है। तो बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ हैं, जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, लोग उत्साहित हैं, और कल बहुत अभूतपूर्व स्वागत उनका होगा हवाई अड्डे से लेकर और अंत तक। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण और फिर आगे बढ़कर अंत में जहाँ समापन होगा वहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के प्रतिमा का माल्यार्पण होगा। तो वास्तव में ये जो श्रृंखला है कांग्रेस के अभियान की 2017 के चुनाव की तैयारी की, वो शुरू हो गई थी। आपने देखा कैसे 23 तारीख को जब दिल्ली से हमारी यात्रा शुरू हुई और वो यात्रा 700 किलोमीटर पार करती हुई मुरादाबाद बरेली और होती हुई शाहजहाँपुर से कन्नौज से और कानपुर तक आई, और 12 बजे रात जब कानपुर में हज़ारों लोगों ने सड़कें भर दी तो हम लोगों को ये लगा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः कांग्रेस की ओर देख रही है और हमें केवल निकल कर लोगों के बीच तक जाना है, उन्हें आश्वस्त करना है कि हम 1989 तक उनको हमने अच्छा शासन दिया था और अब क्षेत्रीय पार्टियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार को हत्या कर और इसका विनाश कर दिया, प्रदेश का बहुत पिछड़ गया है, तो सुशासन की ओर उसको अग्रसर किया जाए, ऐसी मंशा कांग्रेस की है। जी रीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप चाहें तो मेरे सवाल को टाल भी सकती हैं, विपरीत परिस्थितियों में जो पिछले 27 सालों में कांग्रेस के कुछ चेहरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा रखे हुए थे उसमें एक चेहरा आपका भी है, आपने भी न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि उस जगह से आकर के लड़ा, मतलब लखनऊ से जब आप चुनाव लड़ती हैं तो मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई बड़ा गहरा रिश्ता आपका लखनऊ से हो जैसे उत्तरांचल से आपको सीधे जोड़ सकते हैं, तो जो काबिलियत आपकी थी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिर ये 27 साल में कांग्रेस के नेता कहां चूकते रहे? चुनाव तो बहुत सारे लोग लड़ते रहे लेकिन आप जीतती रहीं और वो हारते रहे। ऐसा नहीं है, हमारे जितने शीर्ष नेता हैं यूपी के वो अपने अपने तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनावी राजनीति में बहुत सफल रहे हैं। 10 साल तो आपने देखा केंद्र में हमारी सरकार रही, यूपी से 2009 में 23 हमारे सांसद। नहीं, मैं यूपी के सरकार बनाने के संदर्भ में कह रहा हूँ, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि 27 साल से कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाई है, मेरा सवाल उस संदर्भ में, केंद्र को छोड़ देते हैं क्योंकि लड़ाई तो अभी सामने 2017 की है रीता जी। मैं आपको वही कहने जा रही थी कि देखिए ये जो पिछले 1991 के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख बदल गया और ये रुख कहीं ना कहीं जातिवाद और संप्रदाय वादी राजनीति में घिर गया। क्षेत्रीय दलों ने लोगों की भावनाओं को उभारा, उन्होंने उनको झूठे वादे किए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का ख्वाब दिखाया, हिंदुत्व का ख्वाब दिखाया, अब राष्ट्रवाद का ख्वाब दिखा रहे हैं। इतने वचन 2014 में मोदी जी ने इस देश को दिए, उत्तर प्रदेश को भी दिए, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश आशाओं में आकांक्षाओं को समेटते हुए एक दल से दूसरे, दूसरे से तीसरे को गया। लेकिन अब सारे हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी होने चाहिए थे हो चुके हैं। अब जनता को अपना मन बनाना, जिस तरह से हर समुदाय का युवा, बुजुर्ग, महिलाएं निकल रही हैं, हम सचमुच बहुत उत्साहित हैं। जब कन्नौज गए तो आप यकीन करिए और हरदोई गए जहाँ एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है, हजारों महिलाएं और इसके अल्पसंख्यक समाज के और नौजवान, युवा तो इतना अधिक निकल रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि युवा फिर से एक बार परिवर्तन के मोड में है।
तो ये 2017 का चुनाव हमारे लिए तो देखिए बहुत अहम है और इसमें हम कोई भी कसर उठा नहीं रखना चाहते, हर तरह से इसको मजबूती से लड़कर और इस बार सत्ता बनाने के लिए लड़ना चाहते हैं। अच्छा लड़ने के लिए नहीं, बेहतर लड़ने के लिए नहीं, सत्ता में आने के लिए लड़ना चाहते हैं। तभी देखिए पार्टी ने पूरा दम अपना अब लगाना शुरू कर दिया है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँ, मैं अभी हाल में कुछ इलाकों में गया, लोगों से बातचीत की और टटोलने की कोशिश की कि कांग्रेस किस तरीके से कमबैक कर रही है उत्तर प्रदेश में। लोगों ने एक चीज मुझसे जाननी चाही और सवाल था लोगों का कि कांग्रेस आ तो रही है, वो 27 साल से नहीं है, वो ये भी कह रही है क्षेत्रीय दलों पर वो ठीकरा फोड़ रही है कि प्रदेश में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, लेकिन 27 साल में एक पीढ़ी तो बड़ी हुई, वो आगे भी बढ़ी है। तो कांग्रेस जब ये कहती है कि सबको देख लिया, अब की बार फिर हमें आप देखो, तो उसके पास एजेंडा साफ नहीं होता है। उनको लगता है कि भाई बीजेपी से उकता गए, एसपी बीएसपी सबसे उकता गए, तो अब इनको चुन लो, ऐसा क्यों? देखिए हम लोग सोशल मीडिया का इस बार बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए, खासतौर से युवा पीढ़ी को। हम कंपैरिजन देंगे, हम देंगे तुलनात्मक लोगों को जानकारी कि हमने 1989 में जहां बिजली का उत्पादन छोड़ा वो लगभग वहीं पे खड़ा हुआ है, जो नहरें बना दी उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, जो हम फैक्ट्रियां खड़ी कर गए, जो मिलें बना गए, जो शुगर मिल्स बना गए, जो टेक्सटाइल मिल्स कपड़ा के हमने उद्योग खड़े किए, सारे के सारे जो हैं वो मृत प्राय हो गए हैं। सरकारी वाले सब बंद हो गए हैं, जो आपके आपके निजी सेक्टर में हैं वो भी बीमारू हो गए हैं। तो कोई नई फैक्ट्री नहीं आई, कोई नया रोजगार नहीं आया, कानून व्यवस्था इतनी खराब, सड़कों की हालत इतनी खराब, बिजली नहीं, कोई भी निवेश करना नहीं चाहता। हर यहाँ का मुख्यमंत्री अमेरिका भी गया, यूरोप भी गया, यहाँ पर भी उन्होंने प्रवासियों की मीटिंग करी, आते हैं प्रवासी और फिर भाग जाते हैं। प्रवासियों को तो छोड़िए, भारत के ही हमारे जो पूंजीपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहते, यहाँ गुंडा टैक्स लग जाता है हर चीज़ पर। आप देखिए सड़कें बनाने की कोशिश होती है NHAI के, तो कहीं ना कहीं आप देखिए उसके अंदर माफिया मैन ट्विस्टिंग करते हैं, इंजीनियर्स की हत्या हो जाती है। तो बहुत सारा जो ये यूपी का कल्चर बदल दिया कुछ इन पार्टियों ने, कि सारा कल्चर भ्रष्टाचारी हो गया है, संवेदनहीन हो गया है, कानून व्यवस्था जर्जर इसलिए है कि जो काडर बढ़ाए गए इन पार्टियों द्वारा, चाहे बसपा हो, सपा हो, या बहुत मायने में भाजपा हो, दबंगों को आगे किया, माफियों को आगे किया, और धन और बल की राजनीति को बढ़ावा दिया। आज भी देखिए, मैं आता हूँ रीता जी, मेरे साथ इस समय एक और खास मेहमान जुड़े हैं, जिसके पास दो पहिया, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रीता जी जो लग्जरी गाड़ियों में घूम, दिल्ली से मेरे साथ बीजेपी सांसद ददन मिश्रा जी हैं। ददन जी कुछ देर से हमारे साथ जुड़ पाए हैं, लेकिन जब भी आए हैं अच्छा है। ददन जी, अभी तक जो रीता जी से बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, खास तौर से युवा, और वाराणसी में जैसा आपने भी सुना होगा कि काशी से वो दर्शन करके और लोगों के बीच से होते हुए सोनिया गांधी जाना चाहती हैं, समर्थन जुटाना चाहती हैं, 2017 की लड़ाई है सामने, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें पिछले कुछ समय में रीता जी ने रखी हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आपके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति है, जितने सांसद हैं उस लिहाज से नाक की लड़ाई हो जाती है। अब जब कांग्रेस इतने दल बल के साथ सामने आती है तो इसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप देखते हैं? कोई चुनौती नहीं भाई साहब। जहां तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात है, उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस बहुत पहले साफ हो चुकी है, और रही सही कसर 2014 के लोकसभा के चुनाव में पूरे देश से समाप्त हो चुकी है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में पार्टियां नहीं, सिर्फ दो परिवार बचे थे। एक परिवार शासन सत्ता के बदौलत किसी तरह से बचा रह गया, और दूसरा जो माँ बेटे का परिवार है वो सत्ता दल के रहमो करम पर जो है लोकसभा तक पहुंचने में सफल रहे। तो ये जो ये चाहे जितनी कवायद कर लें,
आज जो इनके बनारस के रोड शो की जहां तक बात है, आज तक इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इससे पहले कभी जो है काशी बाबा भोले बाबा विश्वनाथ की नगरी है, विद्वत जनों की नगरी है, हम लोग की आस्था का केंद्र है, इससे पहले कभी जो है इन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की जहमत उठाई? आज जब काशी को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक उन्होंने अपना कर्मभूमि उसको चुन करके विश्व में काशी को एक गौरव दिलाने का काम किया है, तो तमाम दलों को जो है काशी की याद आ रही है और वहां से राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन काशी की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता तो कांग्रेस से तो बहुत पहले मोहभंग हो चुका है, सपा और बसपा से भी जो है इनका मोहभंग हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी में भगदड़ मची हुई है, समाजवादी पार्टी का जो शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में किस तरह से अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त है, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। अभी जो हालिया बुलंदशहर की घटना है, इतनी गंभीर घटना है, इतनी निंदनीय घटना है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, और ऐसी गंभीर घटनाओं में भी जो देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लीपापोती करने का काम कर रही है, तो ये तो एक उदाहरण भर है। इस तरह से मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अराजकता और भ्रष्टाचार का विरोध ये किस मुंह से कर पाएंगे जब उन्हीं के रहमो करम से लोकसभा में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और 10 साल तक इन्होंने जो यूपीए की सरकार चलाई उन्हीं के समर्थन के बदौलत।